अभी हो रहा है यहाँ पे सहरी का टाइम। अभी हम 18वें रोज़े की यहाँ पे सब मिल बैठ के सहरी कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर बाहर बैठ गए, अबू ने यहाँ पे सहरी कर ली थी, एंड में मैं और कौन रह गया था, कलसुम खाला, यहाँ पर सब बैठ के इधर बातें भी की और सहरी भी की। मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ रहा था कि मैं सहरी के टाइम पहुँच जाऊँगा, लेकिन फिर उनकी ट्रेन लेट हो गई, उसके बाद हम सो गए थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तकरीबन अभी 7 का टाइम हो रहा है सहरी करके, उसके बाद फिर हम सब सो गए थे। अभी 7 बज रहे हैं, 7 इतना मेरे हस्बैंड के फ़ोन आ रहे थे और मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। अभी मैंने फ़ोन अटेंड किया तो अभी कह रहे थे बस 5-10 मिनट तक हम पहुँचने वाले हैं, तो आप नीचे गेट खोल देना, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर होता है। हमारा ये संडे का रश है। ये रहे मेरे हस्बैंड, आ भी गए हैं। चलो मैं निकलती हूँ, चलो जल्दी जल्दी जाके नीचे गेट खोलते हैं। वेलकम है आपका हमारे इस नए घर में। बहुत ज्यादा थक गए। रोजा है, पहले ये बता, रोजा है? चलो फिर तो दोनों का रोजा है। माँ को कैसे पता चलता है? हाँ, हम भाग के आए मिलने के। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर बैठे रहे, अच्छी खासी देर हमारी बातें हुई। अभी खाना वाना तो मैं पूछ नहीं सकती क्योंकि सबका रोजा है। तो ठीक है, अब मैं कौसर को इसका रूम दिखाती हूँ। मैंने रात जो है ना बना के रखा है। कौसर अपना बैग भी लिया। अब आया अभी उधर। रात हमने अपनी मेहनतों से, स्ट्रगल से जो है ना थोड़ा बहुत, ये मैंने रात जो है ना कौसर के लिए कमरा बना के रखा है। बच्चे इधर वैसे होते नहीं है, मैंने कहा चलो आराम से सुकून से, अच्छा है, साफ सुथरा है। चलो अभी यहाँ पर अपना अबाया बैग वैग अभी इधर ही रखो। आपको कैसा लगा? अच्छा। चेंज हो गया ना? हाँ। बेडशीट बिछाने से कमरा पूरा चेंज हो गया और अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। चलो अबू से मिलना है। अबू पता नहीं जाग रहे हैं, सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं, जब उठे के फिर मिलिएगा। सुबह तो सारी करके सोए, लेट सोए, सब लेट सोए थे। अम्मी सब अभी सो रहे हैं, सब नींद में हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, सब सुकून से आराम कर रहे हैं। सो कल सोम खाला बहन आयत को भी नींद आ, फुल मज़े में, अभी फुल मज़े में। खुश देखो रे, खुशी चेक करो इसकी बस। इतनी रात ही से लिपस्टिक लगाई थी। रोजा था ना इसका, तो सोया रहा है रोजे पे। सबसे मिल लिया, देखो सब फ्रेश हो गए, सबकी जाग हो गई। और हमारी तैयबा कितनी प्यारी लग रही। तो मुझे सबसे पहले मिली है, सबसे पहले आयत मिली है, उसके बाद फिर तैयबा। ऐसे मैं सुबह सुबह आया हूँ ना, उसी टाइम गाँव में मजा आया था। नहीं गाँव में मजा आया था, सब आपका पूछ रहे थे कि मुस्तफा कब आएगा। अच्छा करते मुझे, मैंने कहा अभी मुस्तफा को भूल जाओ, जल्दी से चलो, जल्दी से आप जाओ नहा लो। सब ने नहा के फ्रेश हो लिए, जब आप रह गए हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? हम सब ठीक है और तैयबा भी बिल्कुल ठीक है। और आज तैयबा माशाल्लाह ये वाला तैयबा पे कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और आज अम्मी ने कहा कि मैं येलो पहनूंगी, तो अम्मी को मेरे ऊपर येलो बहुत पसंद है। तो इसके अलावा अच्छा, जो तैयबा ने सेम ड्रेस पहना ना, ऐसा सेम आयत का भी, उसका ये वाला येलो मस्टर्ड ऐसा कुछ है, दोनों का मैंने सेम लिया था। अभी हमारी चुटकी जो है ना सो रही है, सुबह सुबह पापा से उठ के मिली थी फिर सो गई। तो सुबह जैसे मैं उठी थी उस टाइम पर, बस मेरे हस्बैंड है कौसर है, उस टाइम मिलके हम सब सो गए थे। अभी जाकर उठे हैं, फ्रेश हुए, नहा धोकर सब रेडी हो गए। अभी इफ्तारी की तैयारी चल रही है, किचन में चलते हैं, आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आगे जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे।
बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ड्यूटी लेनी है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर जो है ना कौसर ने ये ड्यूटी अम्मी वाली ले ली, अम्मी की ड्यूटी आज से कौसर ने संभाली फ्रूट कटिंग की। तो फ्रूट देखो अच्छे से सारे कट करके रख दिए और अभी कौन से अमरूद कट हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से बाकी का पकोड़े बना लेती हूँ। ना दो दिन से हमारे घर पर ये वाले पकोड़े नहीं बने, ये प्याज वाले जो कि सब शौक से खाते हैं, दो दिन का बीच में गैप आ गया है तो आज सब शौक से खाएंगे जी। तो अभी दोनों मिसेस जो है मेरे काम पर लगी हुई है, देखें एक फ्रूट कट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, सब मिलके जो काम करते हैं जबरदस्त लग रहा है। अभी किचन में एक और हमारी रौनक बढ़ गई है, कौसर भी अभी हमारे साथ आ गई है। तो वरना ऐसे अभी कुछ दिन बीच में से खाली खाली लग रहा था, लेकिन अभी चलो फिर सब साथ आ गए, तो अभी सब साथ मिलके कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सब चीज। तो अभी क्या कर रहे थे आप? अमरूद मेरे ख्याल में काफी है, अमरूद बहुत है ना, अमरूद बहुत है ना। हाँ अमरूद इतना वैसे ज्यादा खाते नहीं, काफी है, बहुत ज्यादा खाते हैं, गर्मा और ये तरबूज बस। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल सारे रख लिए, 18 के 18 रख लिए। अच्छा आपने एक भी नहीं रखा? अभी हमारे भी पूरे जा रहे हैं। आपके पूरे रोजे जा रहे हैं? चलो आपके पूरे जा रहे हैं। चलो क्या बना रही है? अभी मैं पकोड़े बना रही हूँ। आपकी एक वाइफ ने आज से ड्यूटी ली है कि वो फ्रूट कट किया करेगी, और मेरी जो ये वाली पकोड़े वाली ड्यूटी में यही अभी सालन मतलब ये बट चुका है। अभी आप पानी और मेरा जो है पानी मेरा कौन सा काम है? अभी आप पानी शरबत ले लो। नहीं मैं रायता बनाता हूँ बस। रायता मैं रायता बनाता हूँ, मेरा काम जो है ना वो ठीक है, रायते वाला ये सबसे छोटा वाला काम है, ये सही है। ये चलो भाई अपना काम स्टार्ट करो, अपना काम खत्म करो। चना चाट कौन बना रहा है? ये चना चाट अभी ये बना, बस मिक्स करना सब कुछ। आप ऐसे करो बस ये सब कुछ कटाओ, इसको सिर्फ मिक्स करना है, जब तक ये बना लेती हूं। चलो कर लेंगे मिक्स या मैं करूं? आप बताते जाओ ना। चलो मैं बताता जाता हूं, आप मिक्स कर दीजिए। जो है ना ये मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि पोटैटो भी है, ये टमाटर डालो, ज़रा ये पोटैटो डाल दो। चलो उसके बाद इमली भी डालनी है। और नहीं है थोड़ा सा होगा वहाँ पे। हाँ ये वाला मेरे ख्याल में चाट मसाला ही लाओ, चेक कर लेना काली मिर्ची ना हो। और इस साइड पर देखिए हमारे पकोड़े भी बनना शुरू हो गए आज टाइम से पहले, सब जल्दी हो जाएगा क्योंकि सब मिल गए ना इस वजह से। आज तकरीबन आधा घंटा हम पहले सब तैयार, पकोड़े फ्राई हो रहे थे तो साथ में मैंने सोचा शरबत भी साथ साथ बना लेती हूँ, और बातें करते करते इतना जल्दी जल्दी हमने काम किया। यहाँ पर कौसर और मैं बातें कर रहे थे तो बस उसी बात में हंसी आ गई, मेरे हस्बैंड की कोई बात चल रही थी यहाँ पे। आवाज है ना आज ये समोसे, और इसके अलावा मुझे इसका पता नहीं किसको क्या बोलते हैं, सारा इतना सारा ये डब्बा भर के समोसों का, और ये साथ में जो भी ये रोल बनाओ इस तरीके का, ये मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त हैं वो देखे गए आज। फ्रीज हुए हुए हैं काफी सारे समोसे, और बस ये पता नहीं इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कब से देख रही हूँ ऐसे फीलिंग की हुई है इसकी। और बाकी इसके अलावा साथ में हमारा चिकन पुलाव भी बना हुआ है। फ्राई करने के बाद ना ऐसे लग रहे हैं जैसे ना प्याज फ्राई कर रहे हो, देखो इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसे होती जा रही है, शेप फ्राई भी हो गए हैं। फ्राई होने के बाद इनकी शेप बहुत प्यारी लग रही है। फ्राई होने वाला हो गया हमारा, ये समोसे भी हो गए और ये भी हो गए, और इनका नाम आपने मुझे ज़रूर बताना कि इनको क्या बोलते हैं। अभी साथ में थोड़े से मैंने कबाब भी फ्राई कर ली। अब यहाँ पर देखें फ्राई करने के लिए 1, 2, 3, 4 चीज़ें थी, ये सब फ्राई हो चुका है, और इसके अलावा पानी शरबत बन चुका है, यहाँ पर केचप निकाल के रख दिया, चना चाट बन गया, साथ में फ्रूट हमारे बन गए, और क्या हो गया रायता बच गया। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने आज रायता बना कर रखा है, हमारी हेल्प हो गई। और आज टाइम कितना रहता है? अभी भी 1 घंटा रहता है। और अब चल कर देखते हैं अम्मी को, यहाँ पर दोनों सहेलियाँ क्या कर रही हैं। नमाज पढ़ ली? मैंने नमाज पढ़ ली। अभी आपकी सहेली पढ़ी? मुस्तफ़ा आप नहीं उठ रहे ना, कल इसको नहीं उठाएगा रोजे के लिए? नहीं अभी तक नहीं नहा, मैंने कहा नहा के नमाज पढ़ना, तो ये बार बार इसको सुस्ती हो रही है, आज नहीं उठाएगा अम्मी, ये नहीं बस कोई जरूरत नहीं है इसको उठाने की, नमाज के बगैर रोजा नहीं होता। कुछ हमने बना लिया मैंने और कौसर ने मिलके, सारा काम हो गया खत्म। आज फ्रूट वाली अम्मी आपकी ड्यूटी खत्म हो गई? हाँ फ्रूट इसने काट दिया, अभी सारा काम खत्म हो गया, अभी 1 घंटा रहता है अम्मी,
आज सारा कुछ फ्राई भी हो गया, सब कुछ काम खत्म हो गया, रख दिया। वो बनाया है फ्रूट चाट? फ्रूट चाट अम्मी ने बनाई, फ्रूट चाट में फ्रूट पूरे नहीं थे, क्रीम भी खत्म है घर। जल्दी काम करवा देना, आधा घंटा हमने बातें भी कर ली, अभी भी आधा घंटा और रहता है। आज हमारी आयत मजे से देखो सो रही है अब्बू के। चलो अभी मुस्तफा के कपड़े निकाल लेते हैं, मुश्किल से इसको मैंने भेजा नहाने के लिए, तो आज मैं इसको शॉर्ट और शर्ट दे रही हूँ। मुस्तफा इधर बाहर हैंगर में लगे हुए आपके कपड़े, ओके? तो वह मेरा बच्चा क्या कर रहा है? टीवी देख। मैं सोच रही हूँ बाहर चले रोज अफ्तार करने, अभी टाइम भी है, सब कुछ बना भी लिया, चले फुर्सत कल। मैंने कहा तो टाइम से सब कुछ बन गया, टाइम भी अभी चले। अच्छा चलो, टाइम नहीं गुजर रहा ऊपर से जो है ना, अभी जैसे मुस्तफा कह रहे मुझे रोजा लग रहा है, अभी उससे सुन सुन के मुझे भी रोजा लग रहा है, सिर्फ वीकनेस फील हो रही है बस। अभी तकरीबन 15 मिनट रहते हैं, 15 मिनट से पहले अब जो है ना दस्तरखान लगाना शुरू कर ही देते हैं बस। ये रहा हमारा दस्तरखान, सबसे पहले मैं दस्तरखान लगा कर आती हूँ। मतलब इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है कि आज सारा काम जल्दी हो गया तो आज रोजा लग रहा है, रोज जल्दी नहीं होता तो वो उसमें पता ही नहीं चलता कि रोजा है। आज और टीवी बंद करो और आज इफ्तारी का टाइम हो गया, सामान वहाँ पे रखा जा रहा है। मम्मा जल्दी फास्ट फास्ट, टाइम नहीं रहता, हम तो गप्पे शप्पे लगा। आज और अभी पापा लैंप को साफ कर रहे हैं तैयबा के लिए। आज 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 लैंप वाली आंटी आज तो मैंने ड्रेस भी बहुत प्यारी पहनी है ना, ड्रेस बहुत प्यारी लग रही। तकरीबन हमने 10-15 मिनट पहले ही रखा है। ये कितना रहता है? अभी 9 मिनट रहते हैं। कितना? 9 मिनट, 9 या 8 मिनट। बस अभी तो सब कुछ तैयार है, सिर्फ रखना ही तो है। मेरे लिए पकाती हूँ स्पेशली के मैं खाऊं, है ना ना मेरी प्यारी अम्मा। बस मुझे प्यार करता है अम्मी आपसे। बॉय इसको पुलाव इतना ज्यादा पसंद है, कहते डेली पुलाव बनता है ना। चलो बस अभी जैसे सारा सामान रखा है, टाइम भी पूरा हो गया, सब जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं, बस 2 मिनट ही रह गए। चलो हमारी आयत को मैं कपड़े चेंज कराने के लिए चली गई थी, आयत भी हमारी उठ के आ गई है। आज मैं बेबी उठ के आ गया, नींद पूरी हो गई, चुपचाप बस सबको देख रही है। इतना कुछ माशाल्लाह से सब कुछ बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे रोजा लगता है सिर्फ पानी की प्यास लगती है। ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे को फूल दे रहे हूँ। हाँ चाचू आप देख लिया हमारा दस्तरखान कैसे सजा, देखे सब आ गए, गाँव से भी सब आ गए, अभी सऊदीया वाले नहीं आ रहे। तो इसका आखिरी रोजा हमने रखा है, अब नहीं रखवाएंगे, नहीं रखवाएंगे। अभी देखो कैसे खा पी लेते, कैसे अभी तबीयत इसकी वो हो गई है ना सही। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रोज़ा सबका इफ्तार हो गया, बर्तन सब यहाँ पर लगा दिए, कुछ धुल गए, अभी कुछ धुल रहे हैं, और साथ में मैंने चाय रख दी है, चाय तैयार हो जाए। अभी आज फिर से मतलब हल्का हल्का सर में दर्द भी हो रहा था पता नहीं, तो आज जाना वॉक करने से पहले मैंने चाय जल्दी रख दी, ऊपर ले जाऊंगी, ऊपर बैठ कर हम वॉक भी कर लेंगे और चाय भी वहीं पर बैठ के पी लेंगे। और अभी एक और सर जो है ना चाय सर्व कर रही है, अबू भी इधर ही बैठे हैं, चाय पी के जाएंगे। रोज़ा इफ्तार के बाद अबू चाय लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से जाते हैं। आएंगी वॉक करेंगी? ऊपर छत पे कल सुम खाला आप कौसर तो पहले से पतली है, इसको जरूरत ही नहीं है। ये सही है, डाल लो अपनी, नहीं बड़ा कप उठा ले, दो कप लेना। हाँ जिसके सर में दर्द वो 2 कप लेगा। ये ले अबू आपकी चाय। सितारा सागे भर का, ये साजिद की जी। अभी हम तीनों के कप बच गए, मेरा साजिद का और कौसर का। अभी हम चाय भी पीते हैं, और इसके अलावा आपको पता है कि रमजान के आज कितना रोजे हो गए? 18 रोजे हो गए। हमारे कपड़े दर्जी ने अभी तक नहीं दिए, जिसको बोलती हूँ तो वो दर्जी मेरा फोन नहीं उठा रहा, या जिसको भेजती हूँ आगे शॉप उसकी बंद होती है। अभी इस पे इतना मुझे गुस्सा है कि आज कपड़े देने या नहीं देने, मुझे क्या कर रहा है। मुझे कपड़े चाहिए, अम्मी ने नहीं पहने, सारे वही पहन रहे हैं पहले उधर ही शॉप पर। अम्मी कैसी बनी है चाय? बहुत अच्छी बनी है, फीकी होगी है ना, थोड़ी सी सही है, मीठा है, बराबर है, मूड में बैठे हुए सब। चाय की ऐसा खुशबू भी आ गई है कि सारे अंदर बैठे तो हाँ, मैं कहाँ चले गए सारे, मैं अकेला बाहर बैठ के चाय पी रहा हूँ। आपको दावत करनी है, कब करें? मेरी दावत सबको? ये तो मुझे तो मैं फिर खुश नसीब हूँ कि कलसुम का कुंभा मुझे इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं। कब से मैंने इनको कहा
टाइम दे के घर से निकल जाना। आज माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। साथ साथ दो दो बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि ईद गांव में करनी है। हाँ, क्योंकि अब्बू ने कभी बाहर ईद की नहीं है ना, इस वजह से अब्बू को ना गांव की याद है। इधर इधर वो पार्क में करेंगे मुगले आजम भी होगी। हाँ ये तो अब्बू की फेवरेट मूवी है मुगले आजम। मुगले आजम सबसे अब्बू की पसंदीदा मूवी है, जब भी चला दो अब्बू को देखना। जितनी भी चला लो मूविया सिवाय उसके पास वो वाली मूवी कोई भी नहीं देखेंगे सिवाय मुगले आजम के। हाँ भैया बहुत खुश है। प्लीज मुझे ये बता दो आपका रोजा है जी? फिर रोजा आज आपने खोला? ये बताओ आपका हेयर कट करवाऊं? मिलकर जा रहे हैं पंचायत पे, चाय हमने पी ली, बहुत सारी देर हमने बातें भी कर ली, तो अब हम अपनी टीम बना के पर जा रहे हैं। सब जा रहे हैं इफ्तार के बाद, जैसे डेली की हमारी रूटीन है, हमें से चार भी मिस ना करे, जो वॉक करेगा जो नहीं करेगा वो ठंडी क्योंकि खाना जो है ना बचा हुआ है। हाँ ये वॉक नहीं, वॉक करके दोबारा आना है ना। अच्छा हाँ, अफ्तारी का भी बहुत कुछ बच गया ऐसा ऐसा। लाइट खराब हो गई, पता है आपको? ऊपर वाली लाइट हमारी खराब हो गई, इंतजार में थे कि आएंगे तो लाइट बना कर दे। अभी देखो गौसन कैसे ऊपर ठंडी हवा चलती है, कपड़े भी ऊपर ही धोते हैं, मशीन भी इधर ही लगा के रखी हुई है, कपड़े यहाँ पर सारे धोने। ये पकड़ी गई। मजे की ऐसी ठंडी हवा चली है ना, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं लाइट का कुछ हुआ, और यहाँ पर सब देख रहे हैं जहाँ पर मैच होता है। वो हो गया, अभी नहीं आया मैं, यहाँ पर लाइट लगाते हैं। हाँ यहाँ पे एक और टीम आती है, ये दरख्त पे लाइटें भी लगाते हैं, वो आते हैं तकरीबन 11 बजे तक। चलो इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। आराम से तैयबा, आराम से, अगर बनती है ठीक, वरना ज्यादा ना तारों में हाथ नहीं मारना, तो इलेक्ट्रिशियन है ना उनको बुला कर आए। चलो कब से मेहनत में लगे हूँ, बन गया। चलो ओ ये तो काम करके मुझे लगा जल गई आपकी लाइट। वैसे हैं आप अच्छे कारीगर है ना, इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानते हैं। सारे काम जानते हैं। हाँ क्या हुआ था, क्या मसला था? तार और लगाइए नहीं था। चलो यहाँ पर सबकी जो है ना बातें चलती रहेंगी, मेरी तो वॉक होगी, अभी मैं जा रही हूँ। ये भी चुटकियाँ भी मेरे साथ चलेंगी क्या? अभी बिल्कुल भी अफ्तारी के बाद ऐसी आज मेरी तबीयत थोड़ा अजीब हो रही थी, बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था जाने के लिए, लेकिन अभी मैं आज लाजिम उनसे कपड़े लेकर आऊंगी। मुझे लगता है पता नहीं सिलाई की है या नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा सिलाई नहीं की, इस वजह से हमारा फोन भी नहीं उठा है ना तैयबा, कपड़े लगता है हमारी सिलाई नहीं की। चलो बाय 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 बाय। आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। खुली हुई है शॉप, नीचे नहीं हो पा रहा। यहाँ पर आकर गुस्सा हुई, इतना मैं नाराज हुई ना कपड़ों की वजह से, तो कहते हैं लाइट का बहुत ज्यादा इशू था, इस वजह से अभी भी नहीं सिले, इस वजह से फोन नहीं उठा रहे थे। अब कह रही हैं 2 दिन तक पक्का ले जाना। अभी टाइम हो गया कि हर कोई ईद की शॉपिंग कर रहा है और हमारे रमजान के कपड़े नहीं सिले। अब हम ईद के सिलवाएं या रमजान के? अभी तक नहीं सिले, नहीं सिलाई नहीं की हो तो उसने। आप सुना आपके दिन कैसे गुजरे गांव में? मैंने तो देखा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे गांव में, सब ठीक थे? सब ठीक। आपका दिल ज्यादा लगता है गांव में है ना? नहीं इतना भी खास नहीं, बस सही नॉर्मल। लेकिन गांव में हम सबका दिल लगता है, मतलब जब भी हम भी जाते हमारा दिल भी बहुत लगता है, और मेरे हस्बैंड की तो वहाँ पैदाइश है और वहीं के गांव तो वहाँ पर तो इनका वो कहते हैं ना हालात बदल गए जज्बात बदल गए वो वाला सीन चलता है वहाँ पे, ये बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, ये बात हकीकत है। आइए तैयबा आपने भी लिए दोनों डोनट लेकर आइए, ये तो डोनट की दीवानी है डोनट। खत्म हो गए डोनट, लगता है सब सो गए, किसी की आवाज भी नहीं, कोई नहीं है नीचे तो, सारे अभी तक ऊपर हैं, कोई भी नीचे नहीं आया। अबू बस सो रहे हैं। ओए चुटकी हमारी जूते कैसे निकाल रही है? हम आगे, मैं आपको इधर नीचे देख रही थी, उसी टाइम के ऊपर बैठे हो।
अम्मी उसी टाइम की इधर ही बैठी हैं। पूरे नहीं देती इतने को, अम्मी नहीं कह रहे दो दिन का टाइम दे दो सिलाई कर। दो दिन में ऐसे अच्छे भी नहीं सिएगा जल्दी में। कह रहे जितने सिलेंगे वो दे दूंगा दो दिन में। हाल अवाल बांटे अब दोनों ने? हाँ सर इधर बैठी रही थी मेरे साथ बैठी। अच्छा नीचे तो कहीं पे भी नहीं है, गई है नीचे में या हाँ वॉशरूम में? हाल अवाल बांटे। चलो आज अम्मी और कौसर ने भी दिल भर के हाल अवाल बांटे। तो मैंने कहा कि बेटा मैं सितारा मेरी बेटी तो आप भी मेरी बेटी। हाँ। अगर बहनों बन के रहो तो कोई किसी पे बात भी नहीं करेगा। हामी तो जितने दिन भी रहो साथ साथ रहो खुश रहे। हामी नहीं इंशाल्लाह मैं सब ठीक रहेगा। उसका भी मूड अभी अच्छा है ना। हाँ। अभी खुश रहेगी इंशाल्लाह। अम्मी को जो है ना डर है कि जो है ना बच्चे फिर से मुस्तफा जो है ना यहाँ पर, ये देखो ये सारी टीम आई है जो हम विंडो से दिखाते हैं ना यहाँ पे सब आए हुए हैं। और अम्मी को ये था कि मुस्तफा कहीं आना चला गया। सुबह आपका स्कूल है, आ जाओ। Your dress is beautiful. तो आज इसने ये मेरा येलो सूट देखा हुआ है ना तो कहती है योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल। हाँ जी बिल्कुल। कलर भी इसमें सही दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल। मैं वाइडिंग से खोलती सही नहीं दिख रहा है तो संडे बाजार की तरफ से ये मुझे मिला था। संडे बाजार इंस्टाग्राम पे भी इनका चैनल है, यूट्यूब पे भी इनका चैनल है और बस यही था। फेसबुक पे भी संडे बाजार के नाम से है तो आप ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये मैंने उन्हीं का संडे बाजार का सूट पहना है बस। ये आयत भी मैच कर रहा है। सो गई अपने रूम में कौसर, लेकिन आज आपकी वाइफ का मूड बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आगे भी अच्छा ही रहेगा और मैं भी अच्छे की उम्मीद रख रही हूँ और इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मतलब वो भी अभी मेरे साथ अब अच्छे से रहना शुरू होगी, हंसती मुस्कुराती एक अच्छे से। कलसुम खाला आए कलसुम खाला। जो जब से आई है ना तो अब वो खुश है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर है ना, मूड भी उसका अच्छा है। हाँ मूड भी उसका अच्छा था अब खुशी। ऊपर छत पे अम्मी बता रही थी, अम्मी कहती है हमने बहुत सारी देर बातें की हैं। मैंने कहा आप लोग सही रहोगे तो साजिद भी डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ यही तो बात है, डिस्टर्ब फिर बीच में ये होते बार बार इसका आना जाना ये सब चलता रहता। तो रोज यहाँ से मुस्तफा देख रहे होते, आज मुस्तफा के पापा भी यहाँ से देख रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा ऐसा एक फैमिली से ना सारे यहाँ से निकलते जाएंगे। इसका भी दिल कर रहा है कि मैच खेलने। अच्छा तो इसको ये सारा कुछ लेना था जिसकी वजह से ये हमारे साथ गई थी, ये सारा चिपकाना ट्रायंगल बनाना है। तो ये सुबह का इसका होमवर्क है जो कि अभी तैयारी कर रही है, पहले इसके पास था नहीं तो ये सारा कुछ ले आइए। अच्छा तो सुबह इसका स्कूल है और यहाँ पर इसने किया तंग, इधर कौसर के साथ दोस्ती की हुई है। हाँ स्कूल है, हाँ सुबह स्कूल है। भाई बोलो गुड नाइट, बोल दो मुझे नहीं बोलो उधर बोलो। आज बस बहुत हो गई आपकी शरारतें, अब बस करो बहुत हो गया। चलो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आयत को सुलाते सुलाते साथ में मुझे भी नींद आ रही थी तो इंशाल्लाह कल एक नया व्लॉग के साथ मिलेंगे। बिल्कुल भी नहीं सो रही थी तो पूरे रूम की मैंने पहले लाइट ऑफ की है फिर जाकर अब इसको नींद आई है। सुबह इसका स्कूल है फिर ये जागेगी नहीं तो इस वजह से इसको सबको टाइम पर सुला दिया। अम्मी और कलसुम खाला अभी भी जाग रही थी लेकिन मैंने कहा पहले जाकर हम इस बच्चों को सुलाती हूँ। देखो साइड पर सब कैसे सो गए, ऐसे सबको नींद आ गई, यहाँ पर तैयबा मुस्तफ़ा ऐसे ही और मुझे भी ऐसी नींद आ गई। बिस्तर भी सही से नहीं लगा।